हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की सब्जी। सहजन है, देखिए हमने इसको सहजन को पत्ती को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। और साफ करने के बाद ये देखिए हमने थोड़ा टुकड़े टुकड़े में कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, थोड़ा सा ही डालेंगे। और उसके बाद इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद हम इसको रख देते हैं उबलने के लिए। अगर हमने ये गैस जला दिया है, अब हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। ये सहजन की पत्ती हमारा पक गया है, यानी उबल गया है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। इसका जो पानी है निकल जाएगा। हमने इस तरह का थाली लिया है जो हमारा पानी निकल जाए अच्छे से। और ये देखिए हमने एक थाली में निकाल लिया है। और ये देखिए उबालने के बाद कितना थोड़ा सा हो गया। पहले तो कितना ज़्यादा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी देखिए गलने के बाद एकदम थोड़ा सा हो गया है। अब हम इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं। और इधर हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। और कढ़ाई हमारा गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना सरसों का तेल। हमने डाल दिया सरसों का तेल। इसको गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना ये राई दाना। राई दाना हमारा चटक जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। उसके बाद डालते हैं ये कटा हुआ हरा प्याज है, ये इसको सागा बोलते हैं। और इसके बाद डालते हैं हम इसमें अब ये कटा हुआ हरा मिर्च। प्याज को हम थोड़ी देर ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद डाल देते हैं इसमें हल्दी पाउडर। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाला है। उसके बाद डाल देते हैं इसमें धनिया पाउडर। बस इतना ही मसाला हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं, टमाटर हमारा गल जाए। टमाटर हमारा गल गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना उबला हुआ सहजन का पत्ती। इसको हम चला देते हैं अच्छे तरीके से, मिला देते हैं ताकि हमारा मसाला टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मिल जाए। मसाले के और सहजन के पत्ते को हमने अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और इसको हमको हाई फ्लेम में ही भुनना है। और जब इसको अच्छी तरीके से भून देंगे, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी, तब हम इसको बंद करेंगे। क्योंकि हम इसको जितना ही भूनेंगे तभी हमारा सहजन का सब्जी अच्छा आएगा, उसमें टेस्ट भी आएगा। सहजन की सब्जी भूनने में हमको करीब 10 मिनट लग गया था, तो हमने इसीलिए थोड़ा सा स्पीड कर दिया। ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसीलिए थोड़ा स्पीड कर दिया। तो सब्जी हमारी भून गई है, इसमें से महक आने लगा है। हमें
गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देते हैं। थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। और सब्जी हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं और हम इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। धनिया हमने मिला दिया है, अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं सब्जी को। सहजन की सब्जी हमारी बनके रेडी हो गया है और ये देखिए हमने एक प्लेट में सर्व भी कर लिया है। और सहजन की सब्जी आज हमने पहली बार बनाया है लेकिन देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो टेस्ट होगा ही होगा। तो कैसे लगा हमारा ये सहजन की सब्जी कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये सहजन की सब्जी आप रोटी के साथ खाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा, वैसे आपकी मर्ज़ी जिससे आपका मन करे उस चीज़ से आप खाइए, लेकिन हमको तो ये रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा ज़्यादा और मैं रोटी के साथ ही खाऊँगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।